बात जो कल की है वो पीछे चली गई कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए, बल्कि आप पार्टी के भी जहाँ उम्मीदवार हैं अलायंस पार्टनरों के लिए भी बराबर भरपूर मेहनत करते हैं। और सातों सीटें इस बार भाजपा यहाँ हार रही है, 25 मई भाजपा गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के 4 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। मैं मौजूद हूं जीटी करनाल रोड पर और यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद है मेरे साथ, रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन रिपीट। उम्मीदवार आपका है, रोड शो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारा कोऑर्डिनेशन है, हमारी दोनों पार्टियों का इंडिया अलायंस में विलय है। इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है दिल्ली में 7 सीटों पे से, जिनमें 3 पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 4 पे आप पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो जो जहाँ जरूरत रहती है, आज मुख्यमंत्री हमारे तीनों कांग्रेस के उम्मीदवारों के यहाँ आप पार्टी के नेता के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर कंपेनिंग में आ रहे हैं। और यहाँ श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और जिस तरह का हमारा अलायंस है उसमें कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल पूरी तरह से ये तय है कि जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होगी वहाँ हमारे नेता जाएंगे, मदद करेंगे, और जहाँ हमारे कैंडिडेट्स के लिए वो आ सकते हैं वो आएंगे। ये वही पार्टी है जो लगातार कांग्रेस को कोस करके सत्ता में आई थी, और अब जो है आप लोगों के साथ गठबंधन में है। अब कल की बात है, जो आज की बात है वो ये है कि इंडिया अलायंस जो है एक बड़े सोच के साथ इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश के संविधान के रक्षा के लिए बड़ी सोच के साथ अलग अलग पार्टियों का गठबंधन हुआ है। और ये 26 पार्टियां जो महागठबंधन में इंडिया अलायंस में साथ हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो अपनी छोटी छोटी आपसी कोई मनमुटाव और किसी तरह का मतभेद नहीं है, आज पूरी तरह एक अलायंस के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो बात जो कल की है वो पीछे चली गई। पहले से और अब में कांग्रेस में कितना फर्क है? आप तो काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है, दिल्ली में काफी साल बाद दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह और उमंग के साथ और जोश के साथ हमारे कैंडिडेट्स के लिए, ना सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए बल्कि आप पार्टी के भी जहाँ उम्मीदवार हैं अलायंस पार्टनरों के लिए भी बराबर भरपूर मेहनत करते हैं। और निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली में एक परिवर्तन की लहर है, इस बार बदलाव की बयार है, और 7 सीटें इस बार भाजपा यहाँ हार रही है। 25 मई भाजपा गई, इंडिया गठबंधन यहाँ 7 सीटें बहुमत से जीत रहे हैं, ये आज कार्यकर्ताओं के मिलने से तय हो रहा है। चांदनी चौक लोकसभा में हम लोग हैं, जेपी अग्रवाल जो है पहले भी सांसद रह चुके हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि चुनाव जीत पाएंगे? निश्चित तौर पे एक विश्वसनीय नाम है जयप्रकाश अग्रवाल जी, ट्रस्टेड नाम है, दिल्ली के लोगों ने उनकी जनसेवा को देखा है, उनके काम को देखा है, उनके संस्कारों को देखा है। उनका परिवार आजाद भारत से, भारत की आजादी के मूवमेंट से लेकर आज तक जनसेवा को समर्पित परिवार है, और आज भी उसी विनम्रता के साथ श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी एक उम्मीदवार के तौर पर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अनिल भारद्वाज, इनसे हमने बात किया, और आपको दिखाना चाहूंगी मैं किस तरह से तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये जो रोड शो है वो कुछ देर पहले से यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस रोड शो में कार्यकर्ताओं